बॉलीवुड स्पाई पे आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है यशी। लाइक सब्सक्राइब एंड हिट दी बेल आइकन और मुझे भी फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो कि है drama.diva के नाम से। आपको तो पता ही है कि अली और अभिनव के बीच में जो फाइट हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा अगली हो गई थी। फाइट हुई थी राहुल वैद्य की वजह से और बीच में कूद पड़े थे अली। और अली ने यहाँ पर अपनी फाइट का ये जस्टिफिकेशन दिया है कि उन्होंने सलमान खान की वजह से अभिनव से फाइट करी थी। खैर यहाँ पर सलमान खान ने वीकेंड के वार में राहुल वैद्य को ये कहा था कि बैक फुट पे नहीं बल्कि फ्रंट फुट पे आकर के खेलिए, और अली से भी यही कहा था कि जब राहुल वैद्य का झगड़ा होता है तो एज ए फ्रेंड तुम्हें सपोर्ट करने के लिए बीच में कूदना चाहिए। तो क्लियरली यहाँ पर सलमान खान ने कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए थे अली को कि तुमको फाइट करना ही करना है। इनफैक्ट यहाँ पर अली ने यह भी मेंशन किया है कि मैंने झगड़ा किया है सलमान भाई के कहने पर, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि पीछे हट करके नहीं खेलना है, लड़ना है तो सामने आकर के लड़ना है। हालांकि लाइव फीड में कहीं भी हमने नहीं देखा है कि सलमान खान ने अली को बोला हो और अली ने खुद ही अजम्पशन बना करके अभिनव से इस तरीके का झगड़ा मोल ले लिया। आप हमें बताइए, जो अली और अभिनव के बीच में फाइट हुई थी जो काफ़ी ज़्यादा अगली हो चुकी थी, क्या वो उस टाइम पर जस्टिफाइड थी? क्योंकि अली और अभिनव का काफ़ी ज़्यादा पुराना रिलेशनशिप रहा है और कहीं ना कहीं जैस्मिन की वजह से वो कनेक्टेड भी रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सलमान खान के ऊपर ज़बरदस्ती अली जो है वो बम फोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई की एडवाइस पे वो फाइट कर रहे थे अभिनव से। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। देखते जाइए बॉलीवुड स्पाई। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब हिट दी बेल आइकन और मुझे भी फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो कि है drama.diva के नाम से। स्टे ट्यून्ड।